समुद्र के पार भगवान राम बैठे हैं और सागर सुनने को तैयार नहीं है, तब तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, विनय न मानत जलधि जड़े, भय तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तबे, भय बिन होय न प्रीत, बोल सिया बल रामचंद्र की। जिनके ओजस्वी वाणी का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूजनीय दीदी माँ, वे हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन करें, ऐसी मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री अयोध्या धाम की, अखंड भारत की, श्री गो माता की, श्री भारत माता की। मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय पूज्य शंकराचार्य जी की उस पवित्र परंपरा के संवाहक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का मार्गदर्शन करते हुए निरंतर सन 84 से इस पवित्र आंदोलन के मार्गदृष्टा हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। जन जन के हृदयों में हिंदू गौरव की प्रतिष्ठा करके अपने स्वयं के अस्तित्व का बोध कराने वाली वह संघ की पवित्र साधना जिसके संवाहक पूज्य भागवत जी जब यहां खड़े होकर बोल रहे थे, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे, संतों की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि उनकी इच्छा ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आज्ञा है, क्योंकि बड़ों की इच्छा ही उसे शिरोधार्य करना चाहिए। जिस टकसाल से हमने जन्म लिया, जो हमारे रोम रोम में, हमारी रगों में हमारा स्वाभिमान बनकर प्रवाहित होता है, वो हमारी पवित्र संत परंपरा। जब आदरणीय शैलेंद्रनाथ जी बोल रहे थे तो उनके कहने का भाव यही था कि हम भारतीयों की इच्छा, हम हिंदुओं की आस्था, क्या आप समलिंगियों से भी गई बीती मानते हैं कि आपके लिए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का विषय प्राथमिकता नहीं रखता? इससे बढ़कर हिंदू जाति का अपमान और क्या हो सकता है? पूरे रोम रोम में रमे हुए राम के लिए आओ कार सेवको, गाओ कार सेवको, जागो कार सेवको, मिटो कार सेवको, बनो कार सेवको, अगर जरूरत पड़ी तो सरयू के जल को अपने रक्त से लाल करना पड़े तो ना डरो कार सेवको। ऐसी भावना व्यक्त करने वाले पूज्य ब्रह्मलीन अशोक सिंघल जी, जिनके चित्त में ये भाव हमेशा दर्द बनकर, पीड़ा बनकर, कदाचित हम देख सकें वो भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हम देख सकें, ऐसी पीड़ा लेकर जो प्रयाण कर गए, पर उन्हीं की जिम्मेदारी संभाली हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष श्री आलोक जी ने। जब न्यायालय की समस्त व्यवस्था को हमारे सम्मुख रखा तो हमारी दिमाग की खिड़कियां खुल गईं। पूरा मंच संतों से सजा है। बहुत बार लोगों को लगता है कि राम जन्मभूमि का विषय हम कानूनी हथकंडों से उलझा देंगे, लेकिन साधु महात्मा यहां बैठे हैं, उनके पास कुछ डंडे हैं, वो डंडे लकड़ी के नहीं हैं,
वो दंड आस्था के हैं, वो दंड त्याग के हैं, वो दंड तप के हैं, मौन रहते हैं, बात नहीं करते, क्योंकि हम वो संत परंपरा से जुड़े हुए हैं जो सारे जगत को पंचशील का संदेश देते हैं। हमें संयम रखना भी आता है, हमें कष्ट झेलना भी आता है, हम मौन रहना भी जानते हैं। हमारे सामने अगर विषय ये आता है कि दो स्त्रियां लड़ती हैं, मेरा बच्चा, वो कहती है मेरा बच्चा, वो कहती है मेरा बच्चा, फिर निर्णय आता है कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, दोनों में बांट दो, और जिसका नहीं होता उसकी बांछें खिल जाती हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा निर्णय हुआ, इसके टुकड़े कर दो, इसको बांट दो। पर जो जननी है, जिसने कोख से जन्म दिया, जिसने पीड़ा झेली, जिसका वो आत्मज है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, दो टुकड़े मत करो, इसी को दे दो, पर मेरा बच्चा मत काटो। निर्णय हो गया कि बच्चा किसका है। हमने अपनी जननी को, अपनी भूमि को भूमि का टुकड़ा माना क्या? कभी नहीं माना, माता माना। सबके प्रति औदार, सबके प्रति सौहार्द, सबके प्रति सज्जनता का भाव चित्त में रखने वाले, सर्वे भवंतु की सुखना की भावना को जीते हैं हम। ये नागपुर की धरती है, तुगड़ो जी महाराज का ये प्रांगण है, कोटि कोटि हिंदू जाति उसके तरुण यहाँ विराजमान हैं। पूज्य है डगेवार जी की तपस्थली ये नागपुर, दंडकारण्य ये क्षेत्र विदर्भ का, अयोध्या ने राम लल्ला दिया, लेकिन दंडकारण्य ने राम को भगवान राम बनाकर जन जन के हृदय में स्थापित कर दिया। ये वो भूमि, क्या भावना है हमारी, हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। अरे हम दशरथ के आज्ञाकारी हैं, हमें एक क्षण नहीं लगता जब हम साम्राज्य को ठुकरा देते हैं। हम कर्म योग के ग्राहक हैं, विषय भोग हमारे लिए त्याग्य है। हाँ हम शरसंधान करते हैं, ऋषि मुनि मित्रों के लिए बाण उठाते हैं, रक्षणियों की रक्षा करते हैं, दुश्मन के प्राण ले लेते हैं। हम वो हैं जो कालजयी हैं। कितना लंबा प्रवाह देखा भारत की धरती ने, हमने शकों को, हूणों को, मुगलों को, सबको अपने अंचल में समेटने का प्रयत्न किया। तुमने जिद्द की तो भारत के टुकड़े तक अपने दिल पर पीड़ा झेल कर स्वीकार कर लिए। अब तो बड़ा दिल करो, अब तो बता दो, कह दो कि आगे आओ, हम सब मिलके राम का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वो राम लला की जन्मभूमि है, ये सिद्ध हो गया। अब बहुत बार हम लोग ये मानते हैं कि राम जी करा रहे हैं, भैया जितना करना है उतना कर लो, हम संतोषी जीव हैं। आदरणीय संघ चालक जी ने, सरसंघ चालक जी ने कहा है कि साल भर पहले मैंने धैर्य रखने को कहा था, अब धैर्य नहीं रखा जा सकता, अब तो करना है। और उसके लिए क्या करना है? न्यायालय की प्रतीक्षा करते करते बहुत सारे लोग प्रयाण कर गए, हमारे श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे हुए बहुत सारे लोग, उनका उनका उद्देश्य राजनीति की रोटी सेकने नहीं था, और राजनीति का सत्ता सुख भोगना भी नहीं था। हमारे राम लला अभी टाट में बैठे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी हमारे राम लला को टाट के मंदिर में विराजमान कर दो, आप काल जयी हो जाएंगे। हम सबके रोम रोम से उठी ये पुकार है। हाँ हम जानते हैं राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। दिन देखना चाहती हैं ये आंखें। अब बात बड़ी कुछ और, अपनी बात व्यक्त करो हिंदुओं, बोलो, मौनी महाराज मौन खोलो, क्योंकि ये सरकारें हैं, ये देश की व्यवस्थाएं हैं। अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, तुम क्यों चुप बैठे हो,
तुम तो बोलो, अपने वीड़ा को, अपनी वेदना को व्यक्त करो और एक बात निश्चय करो, अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन करो। उसके लिए आदरणीय सरसंघ चालक जी ने हमको आज्ञा दी है। लेकिन हिंदू जाति की स्थिति देखिए जरा, यहां बात बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने मंच पे सुनी है, थोड़ी मेरी कड़वी सुन लीजिए। आपकी दशा क्यों हुई ऐसी कि आपके किसी भी कार्य को कोई भी प्राथमिकता नहीं मानता, इसके पीछे कारण क्या है? तो हिंदू जाति की दशा वैसी हो गई, वो जैसे एक पहलवान था ना, दंड बैठक लगाता था, बाद में ब्याह कर लिया उसने, 5-7 बच्चों का बाप बन गया। एक दिन घूमते घूमते खेतों में गया, एक पेड़ को पकड़ के झटका मारा तो पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए। बड़े दुखी घर वापिस आए, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, बोले तेरे चक्कर में पड़ के दुर्दशा हो गई, जब कुआरा था तो पेड़ की डाल पकड़ के झुका देता था, अभी तो मैं ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली अकेले क्यों गए थे, ये 5-7 हट्टे कट्टे पुत्र आपके, सबको लेके चलिए। पहलवान जी पुत्रों के साथ चला खेतों में, पेड़ की डाल पकड़ के नीचे झटका मारा, वो डाल नहीं पूरा वृक्ष झुककर नीचे आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई, 5-7 बच्चों में बट गई थी, तो हिंदुओं आपकी भी ताकत कहीं चली नहीं गई है, आपकी जातिवाद में पार्टीबाजी में बट गई है, इसलिए मुट्ठी की तरह बंधिए, संगठित होइए। ये हरिजन, ये दलित, अभी 2 दिन पहले एक नेता कांग्रेस का बोला कि साध्वी रितंबरा की जात क्या है, उमा भारती की जात क्या है, नरेंद्र मोदी की जात क्या है, तो मैंने कहा सीपी जोशी तुम्हारी जात है कैंची, समाज को काटना, और हमारी जात है सुई, कटे हुए समाज को प्रेम के सूत्र में जोड़ देना। और प्रेम है हमारी जात, करुणा है हमारी जात, हम भारत की धरती के लाडले हैं, देश के स्वाभिमान के लिए सर्वस्व कुर्बान करने की हिम्मत हमारे भीतर है, हम दशरथ के आज्ञाकारी हैं। हमारा परिचय पूछते हो तो हम शिव के कार्तिके हैं, हमारा क्रीड़ांगन कैलाश है, और देवों का सेनापति बनना ये हमारा इतिहास है। तुम हमारी बात करते हो तो फिर हमारी पूरी परंपरा का परिचय आंखें खोल कर देखो। मैं आप सबके बीच में एक ही बात कहने जा रही हूं, चुनाव के दिन आते हैं तो कुकर मुत्तों की तरह लोगों के गंदे विचार बाहर निकलते हैं, हिंदू जाति को जातियों में विभाजित करने के षड्यंत्र चलते हैं। मेरा एक मंत्र है इस हुंकार सभा में हिंदुओं, उसको याद रखिएगा, हम यदि आपस में बट जाएंगे, हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधलाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, और वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। संस्कृति के पावन अभियान के लिए, हिंदू चेतना के अभियान के लिए, हिंदू हिंदी हिंदो हिंदुस्तान के लिए, धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन विहान के लिए, सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं, राम केवटों के, धोबियों के, शबरियों के प्राण हैं, ऐसे राम का जो भक्त, जो सक्ष भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है, जांच हम उसकी करा के रहेंगे। आप क्यों वोटों की फसल काटने के लिए हिंदू जाति के अंतर में जुड़ी हुई इन भावनाओं को, पवित्र भावनाओं को नष्ट करने के प्रयत्न करते, उसे रोको, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं एयरपोर्ट पे उतरी, पत्रकारों ने कहा दीदी माँ आप आ गई, क्योंकि चुनाव के दिन आ गए। मैंने कहा 26 साल बाहर नहीं निकली हूं,
26 साल। अभी हमारे बंधु कह रहे थे कि दीदी मां 92 से इस अभियान से जुड़ी हैं, तो माननीय आलोक जी ने कहा कि वो भूल गए 92 तो राम जन्मभूमि के आंदोलन का क्लाइमैक्स था। हम 84 से गली गली गांव गांव की धूल फांकते, सिर पर धारण करते हुए हिंदू जाति के गौरव के लिए हर पल हर क्षण अपने चित्त में कुछ दर्द है, कुछ ज्वालाएं हैं, कुछ आग है जो हर दिल के अंदर बोना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के बोध से अपने समाज के बीच में जाते हैं, बटो मत कटो मत, देश के स्वाभिमान के लिए, अपनी सुंदर भावनाओं के लिए छोड़ दो इसको, एक एकड़ा प्रवृत्ति को छोड़ दो। हिंदुओं आज उतना विरोध मुसलमान नहीं करता जितना हिंदू ही हिंदू के इस अभियान का विरोध करता दिखाई देता है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैंने तो केकड़ों से पूछा था कि तुम तो इस डिब्बे में हो, ढक्कन है ही नहीं डिब्बे का, बाहर निकलो, कूद जाओ सागर में, क्यों कैद हो इस डिब्बे की, ना ढक्कन ना ताला। केकड़ों ने कहा कि दीदी मां बड़ा चक्कर है, जैसे एक बाहर निकलने का प्रयत्न करता है वैसे ही दूसरा टांग पकड़ के पीछे खींच देता है, इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं जा पाता, इसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, एक केकड़ा प्रवृत्ति है, ईर्ष्या है, मेरा झंडा मेरा डंडा, ये भावना ने हमें विभक्त कर दिया, हमें खोखला बना दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि हनुमान जी का जिक्र कर दिया आदरणीय सरसंघ चालक जी ने, तो सुरसा थी उसके मुंह में गए, बाहर आ गए, समझ गए कि बड़े लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, उनके सामने छोटे ही बने रहना चाहिए। वो दूसरी तो सिंह का थी, वो परछाई पकड़ लेती थी, रहती थी नभ में और जलचरों को भोजन बनाती थी। क्या है ये? वो पेट के पाताल में रहने वाली सिंह का ईर्ष्या है, जब तक कोई मेरे से नीचा है चल जाएगा, मेरे बराबर आया तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, और मुझसे दो उंगल भी ऊंचा उठ गया तो उसकी जिंदगी की कोई ना कोई बुराई पकड़ूंगा और उसे इंटरनेट पे प्रचारित करूंगा। ये ईर्ष्या है, ये हिंदुओं के पेट के पाताल में रहती है जिसने हमें खोखला कर दिया। मैं किसी दूसरे पे शिकायत क्यों करूं? आज हुंकार भरनी पड़ रही है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिकता नजर नहीं आती क्योंकि हमने अपनी भावना को संयुक्त रूप में कभी व्यक्त नहीं किया, उसका ये दुष्परिणाम है। मैं आप सबसे इस पवित्र स्थल पर खड़े होके संतों की साक्षी में एक ही बात का निवेदन करती हुई अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ कि सरकार अध्यादेश लाए, कानून बनाए और भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उसके लिए मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए, एकता का संकल्प कीजिए, एकात्मता के सूत्र में बंधिए, जातियों की जड़ता का त्याग कर दीजिए। हम एक ही जाति हैं और हमारी जाति का नाम है हिंदू, हिंदू जाति हैं हम। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, और हम हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु हैं राम लला। इसलिए हिंदुओं मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से के राम धरती अंबर है, राम तो बावर छोटा सा कोना है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु के आगे बावर बहुत ही बोना है, इसलिए चिंता छोड़िए उसकी और आस्था के पुष्प अर्पित कीजिए राम लला के चरणों में, मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जन्मभूमि, जय भारत। कृपया एक नम्र निवेदन है, शांति मंत्र के पश्चात ही हम यहां से प्रस्थान करेंगे। प्रशांत जी तित्रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण, भारत अखंड हो। बोल सिया बलराम चंद्र की। नागपुर महानगर से आए हुए सभी राम भक्त माता भगिनी अतिथियों को पहले निकलने दे, कृपया दीदी जी का प्लेन है 7:30 बजे, रास्ते पर भीड़ ना करें।